तमिलनाडु के मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर आसीन अन्य महानुभावों, भाइयों और बहनों, भोर का तारा उगा है, जाग जाने की घड़ी है, नींद की सांकल उतारो, किरण ड्योढ़ी पर खड़ी है। कवि ने लोगों को आगाह किया है कि किरण ड्योढ़ी पर खड़ी हो गई, भोर का तारा उग गया, इसलिए अब नींद की सांकल उतार कर जाग जाओ। लेकिन चेन्नई में तो किरण ड्योढ़ी पर नहीं खड़ी है, सहस्रों किरणों का पुंज महासूर्य चेन्नई में उतर आया है, इस समोसरण तक पहुंच गया है, इसलिए अब चेन्नई के लोगों को निरंतर जागरूक रहकर उस सूर्य के आलोक में अभिष्णात होना है। परम पूज्य आचार्यवर ने 3 वर्ष पहले दक्षिण यात्रा की घोषणा की और उस घोषणा के अनुसार अपने निर्धारित कार्यक्रमों को पूरा करते हुए पांव पांव चलते हुए गांवों में, नगरों में, महानगरों में अध्यात्म का आलोक बरसाते हुए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में आचार्य श्री पहुंच गए। लोगों को आश्चर्य होता है कि इतने पहले समय से निर्धारित कार्यक्रम यथावत पूरा कैसे हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी पवित्र चेतना अपनी संपूर्ण प्रबलता के साथ जब कोई निश्चय करती है तो उससे पैदा होने वाली तरंगें प्रकृति में अपना प्रभावकारी हस्तक्षेप करके तत्कालीन परिस्थितियों को उस निश्चय के अनुरूप ढाल देती है, ताकि कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक हित की प्रेरणा से प्रेरित होकर निस्वार्थ भाव से किसी काम में लगता है तो ब्रह्मांड का एक एक कण उसकी मदद करता है। तो यही सब कुछ हमने देखा है परम पूज्य आचार्यवर की इस अहिंसा यात्रा में, कि कोई भी परिस्थिति जहाँ प्रतिकूल लगती थी वह अनुकूल हो गई और ब्रह्मांड के एक एक कण ने इतना सहयोग किया, इतनी मदद की कि आचार्यवर अपने निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार यहाँ पहुँच गए। यह भी आश्चर्य होता है कि आचार्यवर ने अपनी इस अहिंसा यात्रा के दौरान देश की यात्रा तो कर ही रहे हैं, विदेशों की भी यात्रा की और देश में भी कई स्थानों पर भाषा की समस्या, अपरिचित लोग, फिर भी जहाँ जहाँ आचार्यवर पधार रहे हैं सब लोग उनका अहोभाव से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनको सुनते हैं और उनके मिशन के साथ जुड़ते हैं। यह कैसे संभव है? तो कहा जाता है, को ही भारे समर्था नाम किंग दूरंग व्यवसाय नाम, को विदेश है सविद्या नाम कह पर है प्रियवाद नाम। जो व्यक्ति समर्थ होते हैं उनके लिए कोई भी काम, कठिन से कठिन काम भार नहीं होता, वे असंभव को संभव करके दिखा देते हैं। जो लोग पुरुषार्थी होते हैं, परम पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, उनके लिए कितने ही किलोमीटर की, हजारों हजारों किलोमीटर की दूरी भी कोई मायने नहीं रखती, वे उस दूरी को पार कर अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं, निश्चित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और जो व्यक्ति अध्यात्म विद्या के पारगामी विद्वान होते हैं, वे देश में जाए विदेश में जाए सब लोग उनके अपने बन जाते हैं, इसलिए उनके लिए कोई विदेश नहीं होता, सब उनका अपना ही देश बन जाता है। और कह पर है प्रिय वादना, जो व्यक्ति प्रिय वचन बोलते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, हितकारी वचन बोलते हैं, उनके लिए कोई भी दूसरा नहीं होता, चाहे भाषा की समस्या हो, भाषा जाने नहीं जाने पर हृदय की भाषा को सब समझते हैं। तो इसी कारण है कि परम पूज्य आचार्यवर जहाँ प्रवचन करते हैं हजारों हजारों लोग उपस्थित होते हैं, हिंदी जानने वाले नहीं जानने वाले, वे उनके चेहरे के भावों को पढ़ते हैं और उनसे जीवन की सीख लेते हैं। आज की समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या यह है कि मनुष्य अपने जीवन में जटिलताओं से घिरा हुआ है, उसके सामने बहुत समस्याएं हैं, पहेलियां हैं और वह उनका हल नहीं कर पा रहा है।
और स्थिति क्या है मनुष्य के जीवन की स्थिति का चित्रण करते हुए कवि ने कहा है, सोच में दिन बीत जाता रात कटती जागरण में, सोच में दिन बीत जाता रात कटती जागरण में, संधि कम विग्रह अधिक है जिंदगी के व्याकरण में। तो मनुष्य की जिंदगी का व्याकरण ऐसा है कि इसमें संधियां तो बहुत कम है लेकिन विग्रह ही विग्रह है। तो उन विग्रहों से मनुष्य शांति की ओर प्रस्थान करना चाहता है, उन समस्याओं का समाधान चाहता है। तो परम पूज्य आचार्य वर जहाँ भी पधारते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उनका समाधान सुझाते हैं। अहिंसा यात्रा के तीन संकल्प, तीन सूत्र जिनका के भी आचार्य वर ने यहाँ संकल्प कराया, हजारों हजारों लोगों ने उन संकल्पों को स्वीकार करके अपने जीवन में नया रास्ता पाया है। तो इसलिए अपेक्षा है कि आचार्य वर के इस प्रवास का चेन्नई वासी, चाहे वह किसी भी धर्म से, जाति से, वर्ग से संबंधित हो, पूरा पूरा लाभ उठाएं। क्योंकि आचार्य वर अपने प्रवचनों में लोगों को सिखाते हैं कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आप में अपने जीवन के प्रति, अपने व्यवहारों के प्रति अवेयरनेस होना चाहिए, आपका कंट्रोलिंग पावर पुष्ट होना चाहिए और आप में काइंडनेस का भाव इतना प्रखर हो कि आप सबके साथ मैत्री का, भाईचारे का अनुभव करें। अगर आचार्य वर द्वारा प्रदत्त इन सूत्रों को लोग समझते हैं, अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन में नया सूर्योदय हो सकता है, इसी कामना के साथ।